जय माता दी फ्रेंड्स। देखिए गप्पू भैया को मैं 6 बजे चाय देके गई थी। इनका ये चाय का कप रखा हुआ है, चाय पी के 6:30 बजे चाय पी के और ये दोबारा सो गए। क्यों मुंह ढक रहा है अपना? यार मेरे को तो ठंड लग रही, मैं तो सो रहा हूं। आज इनकी क्लास थी 7:30 बजे, मैंने 6 बजे की चाय दी हुई है और ये नहीं उठे और दोबारा सो गए। और अभी मुझे ऑर्डर मारते कि मुझे चाय दोबारा गर्म कर दो। मैं चाय गर्म कर लाई फिर भी पी के सो रहा है। अभी उठना है कि नहीं? अभी नहीं उठना हो फिर मतलब मेरी नींद खराब करके और खुद सो लो, ये कौन सी बात होती तो है? आप तो घूमने गए थे ना तो उससे सुबह, क्या तो मतलब है? उससे और क्या मेरे मतलब को अगर क्यों नहीं जाना होता तो नहीं जाना? आज रोज शायद मैं भी सोचती कि ठंड है मैं भी सोई रहा हूं, मेरे को भी नहीं जाना। मोटे हो तेरे जाओगे चक्कर ऐसे? में मुझे तो उठना पड़ा ना। नहीं क्लास उठ जा फटाफट, क्लास ले ले। देखिए तो खत्म। फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा बच्चा होके इतना परेशान करता है तो सोचो छोटे बच्चों का क्या ही हाल होगा इतनी ठंड में। उन्हें तो बेचारों को रजाई में से निकल के स्कूल जाना होता है। मुझे वही दिन याद आ जाते हैं अब जब मैं लोगों को रजाई में से तो हम भी तो जबरदस्ती जाते हैं निकाल निकाल जबरदस्ती। के स्कूल भेजती हम नहीं थी। जाते थे क्या सुबह सुबह उठ के स्कूल? तो एहसान किया था तुमने। तो ऑफिस भी तो जाते ही थे हम सुबह सुबह उठ कर। ओए होए, तो अब नहीं पढ़ना? पढ़ेंगे अब, उठेंगे थोड़ा जरा। मैं माइंड में मेडिटेशन कर रहा हूँ। ओए होए, लेट के फ्रेंड्स बताइए जरा, लेट के कंबल के अंदर माइंड में कौन सा मेडिटेशन होता है? ये तो मैंने आज तक किसी डॉक्टर किसी आयुर्वेदिक वाले से नहीं सुना कि लेट के आप लेट जाओ चुपचाप और कंबल के अंदर माइंड में मेडिटेशन करो। ये हो क्या रहा है? ये मेडिटेशन हो रहा है मोबाइल का, ये मोबाइल का मोबाइल में मैं मेडिटेशन देख है। रहा हूँ कि कैसे दिमाग को शांत करें। मेरे अच्छा को मेडिटेशन करने दो थोड़े। अच्छा चल चल उठ जा फटाफट, मजाक नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज मुझे 16 सोमवार का अध्यापन करना है तो लग जाते हैं फटाफट से काम पे। भोले नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। भोले नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। 20 से 25 दिन हो गए और ये भगवान जी के जो बैलून लगाए थे ये अभी तक मेरे मंदिर में चल रहे हैं। देखिए अभी तक मेरे मंदिर में बैलून लगे हुए हैं और आज मैंने छोटा सा हवन भी किया है क्योंकि आज 16 सोमवार व्रत का उद्यापन किया है मैंने, तो मेरी पूजा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। और अभी हमने हमारा छोटा सा अभिषेक रली जी और मैंने जाके मंदिर में किया था और हम लोगों की पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हमारा 16 सोमवार का प्रसाद चूरमा और पंचामृत। और अभी हम लोग प्रसाद खाने बैठ रहे हैं गप्पू भैया और मैं। रली जी ने खा लिया है, आ जाओ सारे जिस जिसको भी प्रसाद खाना है। गप्पू भैया खाना खा के सो गए थे और अभी 5 बज गए। चलो मैं गप्पू मैं जा रही हूँ, हम नीचे है ना। चार डाल जाओ यार। चाय मैंने सिम पे रख दी यार, अब तू डाल लेना। हम मेरे पास ना नेल एक्सटेंशन के क्लाइंट आने वाले हैं। अभी हमने अपने क्लाइंट का नेल एक्सटेंशन स्टार्ट कर दिया है और लगभग इनके नेल्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब 7:15 बज गए और हम आ गए हैं गुरुद्वारे। आज गुरुद्वारे में पंजाबी महिला समिति का एक प्रोजेक्ट है तो बस अभी दर्शन करके। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पंजाबी महिला समिति का एक प्रोजेक्ट है। आज क्या करना है भाभी प्रोजेक्ट में? आज हम लोग सब गरीबों को मतलब जरूरतमंदों को आज हम सब कंबल बांट रहे हैं और ठंड भी बहुत पड़ रही है इसलिए हम सोच रहे हैं कंबल बांट के उनकी जरूरत पूरी करें। ये सभी महिला समिति की तरफ से है? हाँ जी, नहीं नहीं सब कि और भी कोई इसमें नहीं ऐड नहीं है? सब समिति की, पंजाबी हाँ महिला जी समिति की महिला तरफ से समाज, हाँ जी हाँ जी ये सभी बहनों का इसमें योगदान है थोड़ा थोड़ा और बाकी कुछ लोग बाहर हैं अभी। ये देखो ये सारी बहनें गप्पे मार रही हैं बैठ के, मीटिंग हो रही है, मीटिंग चल रही है पंजाबी महिला समिति की। मीटिंग के साथ साथ एंजॉय भी तो होता है ना, एंजॉय भी जरूरी है। आप नहीं मार रहे गप्पे, हम देखो आपकी तरफ देख रहे हैं।
नहीं, मीटिंग के साथ एंजॉय भी जरूरी है ना, गप्पे मानी मारेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा इतनी औरतें इकट्ठी हुई हैं। सही है, ये सभी बहनों ने कंबल उठा लिए और अभी जरूरतमंद लोगों को सर्दी के हिसाब से कंबल बांटने के लिए सब रेडी हैं। चलो चलो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये आज सभी बहनें बहुत अच्छा नेक काम कर रही हैं। हमारी महिला समिति की अध्यक्ष अनुराधा भाभी, जिन्होंने सभी बहनों को पहले कंबल दे दिए और अब ये इन्होंने खुद भी कंबल ले लिए बांटने के लिए। आज ये सभी बहनें बहुत नेक काम कर रही हैं और माता रानी आगे भी ऐसे ही नेक काम करवाती रहे। लो कंबल और पकड़ लो, सीमा भाभी उधर जाओ, लो मैं बनाऊँ आपको। बोल ले बेटा, देखो हम सारी बुजुर्ग आंटियों में नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये नए बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे साथ।